गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कैश फ्लो स्टेटमेंट का फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके आपके सामने डिस्कस करूंगा, जिससे कि आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ 100% समझ में आ जाए। ठीक है, ये देखिए आपके सामने एक प्रॉब्लम रख दिए। सोनी लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। आइटम देखिए, इक्विटी कैपिटल, प्रीफ्रेंस कैपिटल, डिबेंचर और इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स हम लोग का एसेट्स होता है और ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, इसलिए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इसको कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, ये देखिए प्रीवियस ईयर करेंट ईयर। प्रीवियस ईयर में अगर आप इक्विटी कैपिटल देखो तो 10 लाख रुपया था, करेंट ईयर में 12,50,000 है। 2,50,000 इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज किया है, ये इशू ऑफ शेयर होगा। चलिए देखते हैं कहीं बोनस शेयर तो नहीं है। यहां देखिए, ड्यूरिंग द ईयर सोनी लिमिटेड इशू बोनस शेयर इन द रेशियो 4:1, 4 शेयर रखने वाले को एक बोनस दिया गया। तो 10 लाख के अगेंस्ट में 1/4 करेंगे, 2,50,000 बोनस हुआ। तो ये जो 2,50,000 इंक्रीज हुआ है ये बोनस शेयर ही है, तो नाइदर इनफ्लो नॉर आउटफ्लो इसका हम लोग का फाइनेंसिंग एक्टिविटी में काम नहीं होगा। प्रीफ्रेंस शेयर प्रीवियस ईयर में कुछ नहीं था, यहाँ 2 लाख हुआ, इसका मतलब ये इशू ऑफ प्रीफ्रेंस शेयर कहलाएगा। इशू ऑफ प्रीफ्रेंस शेयर इनफ्लो ऑफ कैश होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। डिबेंचर यहाँ 3 लाख था, यहाँ डैश हो गया, इसका मतलब ये डिबेंचर रिडीम हो गया। यहाँ देखिए लिख रहा है 10% डिबेंचर रिडीम्ड हुआ है 9 मंथ आफ्टर, 9 महीना बाद रिडीम्ड हुआ है एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। तो 3 लाख के जगह पे 5% प्रीमियम 15,000, 3,15,000 का पेमेंट होगा, ये आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ। इन्वेस्टमेंट बोल दिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इसको इग्नोर कर देते हैं। 1 नंबर रीड कर लिए, 2 नंबर रीड कर लिए। प्रिफ्रेंस डिविडेंड पेड बता दिया है 8,000, और डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो इसमें ये आइटम इन्वेस्टमेंट इन शेयर और डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इसको कंसिडर नहीं करेंगे। ये जो डिबेंचर था 9 मंथ के बाद रिडीम हुआ था, यहाँ डेट दिया है 1 जनवरी, तो यहाँ 9 मंथ का इंटरेस्ट देना होगा 10% के हिसाब से। 10% के हिसाब से साल भर का इंटरेस्ट होता है 30,000, 9/12 करेंगे 22,500, ये हम लोग का आउटफ्लो ऑफ कैश होगा। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट, कंप्यूटेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आपका इशू ऑफ प्रीफरेंस शेयर आएगा, इशू ऑफ प्रीफरेंस शेयर, ये इनफ्लो ऑफ कैश होता है, ये पॉजिटिव होगा आपका 2 लाख रुपया। इसके अलावा रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर आएगा, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर एड प्रीमियम था, उसमें प्रीमियम वर्ड ऐड कर देते हैं, 3 लाख का 5% प्रीमियम 3,15,000 हो गया, और ये निगेटिव होगा, आउटफ्लो ऑफ कैश होता है। अच्छा, इसके बाद आपका प्रीफ्रेंस डिविडेंड पेड, प्रीफ्रेंस डिविडेंड पेड ये आउटफ्लो ऑफ कैश होता है, ये 8,000 रुपया निगेटिव होगा। ठीक है, इसके बाद हम लाए थे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेड, इसका थोड़ा कैलकुलेशन देख लीजिए। 3 लाख का डिवेंचर है, 10% इंटरेस्ट है, 9 मंथ आफ्टर रिडेम्पशन हुआ है, तो 9 मंथ का इंटरेस्ट निगेटिव होगा आपका 22,500। इन्वेस्टमेंट इन शेयर नहीं आएगा, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, मोटा मोटी ये यहां पे आके आपका कंप्लीट हो गया। ये 145,500 निगेटिव हो रहा है, निगेटिव नहीं देके यहां नाम चेंज कर देते हैं, नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आपको वर्किंग में बोनस शेयर समझा देते हैं। बोनस शेयर
हम लोग का शेयर कैपिटल 10 लाख का था, बोनस का रेशियो 1/4 है, तो बोनस शेयर हो गया आपका 2,50,000। इक्विटी कैपिटल था 10 लाख, 10 लाख इक्विटी कैपिटल से, यहाँ आप देख लो, 10 लाख इक्विटी कैपिटल से 12,50 हुआ, 2.5 लाख इंक्रीज हुआ, वो ड्यू टू बोनस था, इसलिए ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नहीं लाया गया। तो ये हो गया आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये आपके सामने एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी का प्रॉब्लम रख दिए, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ये देखिए, ये करेंट ईयर 18 है, ये प्रीवियस ईयर 17 है। आइटम 4 है, इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, डिवेंचर, 9% डिवेंचर एंड 7% डिवेंचर। यहाँ देखिए, इक्विटी कैपिटल 7 लाख से 12 लाख हुआ, 5 लाख रुपया इंक्रीज हुआ। प्रेफरेंस कैपिटल 1 लाख से 0 हो गया, रिडेम्पशन हो गया। यहाँ डिवेंचर नहीं था, डिवेंचर आया, इशू ऑफ डिवेंचर हुआ। यहाँ डिवेंचर था, कैंसिल हो गया, 0 हो गया, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो यहाँ इशू ऑफ इक्विटी शेयर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, यहाँ ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए लिख रहा है, इक्विटी शेयर जो इशू हुआ था 2% प्रीमियम पे था। अगर हम 5 लाख का इक्विटी शेयर इशू मानते हैं तो आपका 2% प्रीमियम 10,000, 5 लाख 10,000 हो जाएगा। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 2% प्रीमियम पे था, 1 लाख का प्रेफरेंस शेयर रिडीम करते हैं, 2% प्रीमियम 2,000, 1,02,000 हो जाएगा। यहाँ जो 9% डिवेंचर इशू हुआ था एट ए डिस्काउंट ऑफ 1%, ये जो डिवेंचर यहाँ से नहीं था, यहाँ आया, इशू हुआ, ये एट ए डिस्काउंट है, 1% डिस्काउंट 2,000 डिस्काउंट होगा, तो इशू ऑफ डिवेंचर 1,98,000 इनफ्लो ऑफ कैश होगा। 7% डिवेंचर जो रिडीम हुआ था, ये रिडीम हुआ था, इसमें प्रीमियम था 5%, तो 1 लाख के अगेंस्ट में 1,05,000 रिडेम्पशन आउटफ्लो ऑफ कैश होगा, 1,05,000। शेयर इशू में अंडरराइटिंग कमीशन देना पड़ा 2.5% ऑफ इशू प्राइस। यहाँ पे हम आपको 5 लाख इशू कराए थे इक्विटी शेयर, 2% प्रीमियम था, 5,10,000 हो गया, अंडरराइटिंग कमीशन 2.5%, 5,10,000 का कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट पेड बोला है ऑन 7% डिबेंचर 7,000, डिबेंचर पे 7,000 रुपया इंटरेस्ट पेड किए हैं, ये आउटफ्लो ऑफ कैश होगा। अब प्रीफरेंस डिविडेंड पेड किए हैं 8,000 रुपया, ये भी आउटफ्लो ऑफ कैश होगा, ठीक है। चलिए सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट, सबसे पहले आएगा इशू ऑफ इक्विटी शेयर, इशू ऑफ इक्विटी शेयर एट प्रीमियम। शेयर इशू किए थे 5 लाख का, 2% प्रीमियम था, तो 5,10,000 इनफ्लो ऑफ कैश पॉजिटिव होगा। प्रीफरेंस शेयर रिडीम किए थे, रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर एट प्रीमियम, ये भी प्रीमियम पे था, 1 लाख रुपया का प्रीफरेंस शेयर 2,000 प्रीमियम पे रिडीम हुआ था, यह आउटफ्लो ऑफ कैश होगा 1,02,000। अच्छा, इशू किए थे 9%, इशू ऑफ 9% डिवेंचर एट डिस्काउंट, डिवेंचर जो इशू हुआ था वो डिस्काउंट पे था, 2 लाख का डिवेंचर 1% डिस्काउंट पर इशू हुआ था, 2,000 कम हो जाएगा, 198, ये इनफ्लो ऑफ कैश होगा। रिडेम्पशन हुआ था, रिडेम्पशन ऑफ 7% डिवेंचर, रिडेम्पशन ऑफ 7% डिवेंचर एट प्रीमियम, 1 लाख रुपया का 7% डिवेंचर 5% प्रीमियम पे रिडीम हुआ था, आपका 1,05,000 आउटफ्लो ऑफ कैश निगेटिव हो जाएगा। इसके अलावा अंडरराइटिंग कमीशन ऑन इक्विटी शेयर, अंडरराइटिंग कमीशन ऑन इक्विटी शेयर पेड, इक्विटी शेयर 5,10,000 का इशू हुआ था, अंडरराइटिंग कमीशन का बात हुआ था 2.5%,
तो 5,10,000 का 2.5% कैलकुलेट किया जाएगा। ये आपका पेड है, आउटफ्लो हो जाएगा 12,750। क्लियर है? इसके अलावा अभी दो आइटम है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेड, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेड बोला था, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेड आउटफ्लो ऑफ कैश है 7,000 निगेटिव हो जाएगा। प्रीफ्रेंस डिविडेंड पेड, ये भी आउटफ्लो ऑफ कैश हो जाएगा। प्रीफ्रेंस डिविडेंड पेड, ये भी आउटफ्लो ऑफ कैश है, ये भी निगेटिव हो जाएगा 8,000। तो बहुत सारा पॉजिटिव निगेटिव लिख दिए, इशू ऑफ शेयर पॉजिटिव, रिडेम्पशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर निगेटिव, इशू ऑफ डिवेंचर पॉजिटिव, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर निगेटिव, ये तीनों पेड है तो तीनों निगेटिव। चलिए देखते हैं इसका आंसर कितना आया। इसका आंसर आ रहा है 473,250 पॉजिटिव है। नाम होगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, एक बात का आप हमेशा ध्यान रखोगे, प्रीमियम जब भी होता है चाहे वो इशू हो या रिडेम्पशन हो, प्रीमियम हमेशा प्लस किया जाता है और डिस्काउंट इशू या रिडेम्पशन हो जो भी हो माइनस किया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम, फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये एक ट्रांजेक्शन्स दिया हुआ है, लिस्ट है जिससे आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी करना है। 31 मार्च 2019 करेंट ईयर हो गया, 31 मार्च 2018 प्रीवियस ईयर हो गया। यहाँ देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल प्रीफ्रेंस और डिवेंचर तीन आइटम ही है। इक्विटी कैपिटल 5,50,000 से 9,00,000 हो गया, इसका मतलब 3,50,000 का शेयर इशू हुआ है। और यहाँ एक नंबर में पढ़िएगा तो 15% प्रीमियम है, तो 3,50,000 का 15% आपका 52,500 होगा। 3,50,000 में 52,500 प्लस हो जाएगा, 402,500 का इशू ऑफ इक्विटी शेयर माना जाएगा। प्रीफरेंस शेयर 4,00,000 से नील हो गया, इसका मतलब प्रीफरेंस शेयर का रिडेम्पशन हुआ है। रोमन टू में देखिए 10% प्रीफरेंस शेयर रिडीम एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। ये प्रीफरेंस शेयर 5% प्रीमियम पे रिडीम हुआ था, तो 4,00,000 का 5% हो जाएगा आपका 20,000, तो रिडेम्पशन हो जाएगा 4,20,000। डिवेंचर 0 से 1,00,000 हुआ, ये इशू कहलाएगा। नंबर 3 में देखिए डिवेंचर इशू हुआ था 5% डिस्काउंट पर, तो 1,00,000 का डिवेंचर इशू किए 5% डिस्काउंट 5,000, तो इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट 95 जाना जाएगा। तो ये हो गया आपका कैपिटल एंड बोरोइंग्स के बारे में। यहाँ से 1, 2, 3 यूज हो गया। इंट्रीम डिविडेंड पेड है 90,000, प्रिफरेंस डिविडेंड पेड है 30,000, डिवेंचर इंटरेस्ट पेड है 12,000। जो शेयर कैपिटल होता है उस पर डिविडेंड पेड करते हैं, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है, आउटफ्लो ऑफ कैश के रूप में आएगा। और लोन या डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा आउटफ्लो ऑफ कैश के लिए। अगर हम शेयर इशू करते हैं तो उसके ऊपर हमको अंडरराइटिंग कमीशन पे करना पड़ता है, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा है। अंडरराइटिंग कमीशन ऑन इक्विटी शेयर पेड 12,500। ठीक है, तो ऐसे हो गया आपका शेयर कैपिटल लोन, शेयर कैपिटल पे डिविडेंड, लोन पे इंटरेस्ट और शेयर इशू करने पे अंडरराइटिंग कमीशन। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सबसे पहले अगर आपको याद हो तो इशू था, इशू ऑफ इक्विटी शेयर, इशू ऑफ इक्विटी शेयर एट प्रीमियम। हम लोग 5,50,000 कैपिटल से 9,00,000 पहुंच गए, इसका मतलब 3,50,000 का शेयर इशू हुआ, 15% प्रीमियम 52,500, दैट इज 402,500। इनफ्लो ऑफ कैश है, पॉजिटिव रखेंगे। रिडेम्पशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर एट प्रीमियम, रिडेम्पशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर एट प्रीमियम। 4,00,000 का प्रीफरेंस शेयर था, नील हो गया, फुल्ली रिडीम्ड हो गया, 5% प्रीमियम था,
4,20,000 ये आउटफ्लो ऑफ कैश है, नेगेटिव लिख देंगे। डिवेंचर इशू हुआ था, इशू ऑफ डिवेंचर 1,00,000 रुपया का डिवेंचर इशू हुआ है, इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट 5% डिस्काउंट पे इशू हुआ है, तो 5,000 डिस्काउंट कट जाएगा, 95,000 ये इनफ्लो ऑफ कैश है, पॉजिटिव दिए। इसके अलावा इंटरिम डिविडेंड ऑन इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर के ऊपर डिविडेंड पेड किया है, आउटफ्लो ऑफ कैश है, निगेटिव हो जाएगा 90,000। अच्छा, प्रीफ्रेंस डिविडेंड भी पेड किया है, प्रीफ्रेंस डिविडेंड पेड ये भी आउटफ्लो ऑफ कैश है, निगेटिव हो जाएगा, अमाउंट गिवेन है 30,000। इसके अलावा डिवेंचर इंटरेस्ट पेड किया है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेड ये भी आउटफ्लो ऑफ कैश है, निगेटिव हो जाएगा 12,000। और एक है अंडरराइटिंग कमीशन ऑन इक्विटी शेयर, अंडरराइटिंग कमीशन ऑन इक्विटी शेयर, शेयर इशू करने पे अंडरराइटिंग कमीशन लगा है पेड 12,500, ये भी आउटफ्लो ऑफ कैश है, ये भी निगेटिव हो जाएगा। अब इसको प्लस माइनस करके आंसर करेंगे, ठीक है। ये आपका 67,000 निगेटिव आया, माइनस का साइन नहीं देते हैं, नाम चेंज कर देते हैं, नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो फिर वही एक बात बोलेंगे, अगर प्रीमियम होता है तो आप उसको ऐड कर लीजिए, और डिस्काउंट होता है तो माइनस कर लीजिए, और शेयर के ऊपर डिविडेंड पेड आउटफ्लो होता है, डिवेंचर पर इंटरेस्ट पेड आउटफ्लो होता है, निगेटिव होगा, ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिखिए, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।